वेलकम टू माय चैनल सीड एकेडमी और मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। टुडे इज 10 डे 10 है, जो ट्रिग्नोमेट्री है आपका चैप्टर नंबर 8 है, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 18 से हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पहली एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर आपका 18 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है आपको क्वेश्चन कि गिवन है कि एक ट्रायंगल में एंगल ए जो है वो बेटा 90 डिग्री है और टेन बी जो है आपका अंडर रूट 3 है। तो आपको बोला है कि फाइंड आउट करिए साइन बी कॉस सी कॉस बी एंड साइन सी। यहाँ पर एक चीज का ध्यान देंगे कि कोई भी ट्राइंगल होता है, जब कोई भी ट्राइंगल बनता है तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि उसके तीन एंगल होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर भी 3 एंगल्स होंगे, एंगल ए बी एंड सी। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा उन तीनों एंगल्स को फाइंड आउट करने का। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑलरेडी गिवन है कि जो 10 है, जो 10 बी है वो आपका क्या है, अंडर रूट 3 है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जब आती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ऐसे वैल्यूज निकालनी होती है तो आप यहाँ पर देखते हैं बेटा, यहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चल रहा है, 10 चल रहा है, तो आप 10 में ही इसको देखते हैं कि 10 की कौन सी ऐसी डिग्री होगी जिस पर ये लाई करेगा। तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर हम 1060 की बात करते हैं तो 1060 इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 10 बी इज इक्वल टू 1060 डिग्री लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, 10 से 10 कैंसिल हो जाता है और B आपका क्या होता है, 60 डिग्री निकल के आ जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पर आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि एंगल B भी हमको मिल गया है, जो हमारा एंगल 60 डिग्री है। A ऑलरेडी गिवन है, दैट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री पर है। अब बात आती है बेटा एंगल C को निकालने की। इन केस ऑफ, हम लोग ऑलरेडी बहुत बार पढ़ते हैं कि जब एक ट्राइंगल होता है तो उनकी तीनों एंगल्स का समेशन जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, यस 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पर एंगल ए मुझे पता है ऑलरेडी गिवन है, दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री। एंगल बी जो है वो आपका 60 डिग्री है। एंगल सी मुझे पता नहीं है तो मैंने एंगल सी को सी लिख दिया और दैट इज कॉल्ड 180 डिग्री। क्लियर है आपको, इतना सा सिंपल सा काम करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एंगल सी को मैंने इधर छोड़ दिया, यहाँ पर हो गया 180। अब इन दोनों को प्लस कर दिया, दैट इज कॉल्ड 150। यहाँ पर प्लस कर रहे उधर जाएंगे तो माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाता है एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पर आपको क्या हुआ, एक चीज और पता चल गई कि आपका जो एंगल सी है वो कितना आने वाला है, 30 डिग्री आने वाला है। क्लियर है, उसके बाद अब आपको वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पर अब मैं क्या करूंगी, वैल्यूज रखूंगी जो मुझे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि साइन बी, तो साइन बी आपका क्या है, साइन बी की वैल्यू क्या है बेटा, बी की वैल्यू अभी हमने ऑलरेडी निकाली थी, यहाँ पर 60 डिग्री है। साइन बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है जो 60 डिग्री निकाली थी, तो 60 डिग्री है यहाँ पे, तो साइन 60 डिग्री इंटू कॉस, सी की वैल्यू क्या है 30 डिग्री प्लस कॉस, बी की वैल्यू क्या है 60 डिग्री और साइन सी की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। ठीक है, मैं यहां से इसको रब कर देती हूं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो यहां पर जस्ट मैंने कुछ नहीं किया है, जस्ट मैंने क्या किया है, वैल्यूज पुट करी है ए बी और सी की। ए तो है ही नहीं, लेकिन बी और सी की जस्ट वैल्यू पुट की है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो साइन 60 होता है वो रूट 3/2 होता है और साइन 30 जो होता है वो भी रूट 3/2 ही होता है, जो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री जब टेबल कैसे बनाते हैं और कैसे याद करते हैं ये डिस्कस कर चुके हैं। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी है तो इट इज गुड फॉर यू कि आप अगर अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज बेटा आप सीड एकेडमी की प्रीवियस वीडियोस को जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जिससे आपके एक एक डाउट्स क्लियर हो जाए। और ट्रिग्नोमेट्री जो सबके लिए एक बहुत बड़ा हवा होता है, मींस
भूत होता है वो आपके लिए सबसे इजी बन जाए और आप इसके पूरे नंबर स्कोर कर पाए। और जिसने भी प्लीज मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे और आपका पूरे का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता रहे। ओके, तो चलिए वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो cos 60 डिग्री है बेटा, जो cos 60 डिग्री की बात करते हैं तो वो हमारा 1/2 होता है, और साइन अगर 30 की बात करें तो वो भी 1/2 होता है। तो √3 × √3 आपको पता है, √3 से √3 रूट से कैंसिल हो जाता है और नीचे 4 आ जाता है, ये भी आपका 1/4 हो गया। तो 3 + 1/4 दैट इज कॉल्ड 4/4, तो आपका आंसर क्या होता है 1 आता है। तो आंसर आपका क्या आया 1 आया। होपफुली आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको अपना ट्रिक लगाना है और ध्यान से कोशिश करना है। आई एम सॉरी, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ दिस चैप्टर, ये 19 है, 18.2 का क्वेश्चन नंबर 19 है। ओके, इसके बाद हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, जिसमें 20 को बोला गया है कि 20 को सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी ट्राई कर चुके हैं और होपफुली आप ये वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो यहाँ पर 20 में आपको बोला गया है कि जो साइन ए प्लस बी है वो आपका 1 है। यहाँ पर गिवन है जो साइन है ए प्लस बी इज इक्वल टू आपका क्या है 1 है, और दूसरा आपको बोला गया है कि साइन ही है ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 है, सिंपल सी चीज है। अगर बार बार मैं आपको बोलती हूँ कि अगर एक तरफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चल रही है और दूसरी तरफ कांस्टेंट है, तो सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की टेबल को ध्यान में रखिए और देखिए कि वो नंबर उसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कहाँ कौन से एंगल पर आता है। तो यहाँ पर बात की जाए तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, तो मैं देखती हूँ कि साइन की टेबल में 1 कब आता है। तो साइन की टेबल में अगर 1 की बात करें तो 1 कब आता है, एंगल 90 में आता है, हम लोगों को पता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू आपका क्या बनता है 90 डिग्री बन जाता है। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स है ए एंड बी, तो दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन होना कंपलसरी है, तभी हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई। दूसरी इक्वेशन हमारी होती है यहाँ पर साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 गिवन है। तो साइन के टेबल में ऐसा कब है जब 1/2 आता है, तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री ऐसा होता है। 30 डिग्री एक ऐसा एंगल होता है जहां पर 1/2 होता है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, ए माइनस बी इज इक्वल टू आपका 30 डिग्री हो जाता है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आती है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आती है बाय सॉल्विंग द इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, ये ए माइनस बी बेटा 30 डिग्री है, मुझे जरूरत नहीं है आपका चेंज करने की साइन, मैं डायरेक्ट काटती हूँ क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, कैंसिल होता है। तो यहाँ होता है 2a इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो a की वैल्यू आ जाती है 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कॉल्ड 60 डिग्री। तो पहला एंगल जो मेरा बनता है वो मेरा बनता है 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करके b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू आपका a प्लस बी में पुट करती हूँ, तो यहाँ पर हो जाता है a की वैल्यू ऑलरेडी क्या है मेरे पास 60 डिग्री है, 60 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो b आपका क्या निकलता है 30 डिग्री निकलता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको सीक्वेंस से चलना है, आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। अगर आप इतना याद रखते हैं तो हर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें आपका इवेल्युएट आंसर निकालने के लिए दिया गया है। एक आपको टर्म दी गई है जिसमें आपको वैल्यूज पुट करके आपको अपना आंसर क्या है निकालना है। तो 21 हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 21 है आपका 3 tan square 30 degree माइनस 10 square 60 degree
प्लस कॉससेक 30 डिग्री कॉसेक में स्क्वायर नहीं है, प्लस 10 45 डिग्री और नीचे आपका आ जाता है कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 21 है, ये क्वेश्चन नंबर एवल्यूएट है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी कैलकुलेशन। यहाँ पर 10 का स्क्वायर है, 10 30 जो होता है वो 1/√3 होता है, हम लोगों को पता है। तो यहाँ पर 1/√3 और इसका क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 का स्क्वायर है, क्या है 10 को 2 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसलिए जो वैल्यू होगी उसका भी क्या होगा, स्क्वायरिंग होगा। जिसका स्क्वायरिंग होगा उसकी वैल्यू का भी आपको स्क्वायरिंग देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर जो 1060 है वो बेटा आपका √3 आता है, इसकी वैल्यू √3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है, प्लस कॉसेक। मैंने आपको पहले ही बोला था जब आपका कॉसेक सेक और इस तरीके से आ जाता है तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो आप साइन को साइन 30 निकाल सकते हैं, साइन 30 आपका क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बेटा, आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 1045 सबको पता है 1 होता है। इसके बाद नीचे आते हैं, कॉट आपका रेसिप्रोकल होता है आपका 10 का, 1045 का रेसिप्रोकल होता है, 1045 क्या होता है मेरा, 1 होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा। तो यहाँ पर आपका 1 है और 1 का अगर स्क्वायर करते हैं तब भी 1 ही आता है, तो यहाँ हो जाता है 3 × 1/3 − 3 + 2 + 1/1। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपका बनता है 1 − 3 + 2 + 1, दैट इज कॉल्ड 1। यहाँ आपका आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अगर आप ध्यान से करते हैं तो गलती होने के चांसेस बहुत कम है और आप अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा और आपके कंसेप्ट क्लियर भी हो रहे होंगे, तो बहुत जरूरी है अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। इसमें बोला गया है कि 10a जो है वो बेटा 1/√3 है और 10b जो है वो 1/2 है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, जिसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। 10a = 1/3 है बेटा और 10b जो है आपका वो 1/2 है, ठीक है, गिवन है ये आपका। यहाँ पर ये बोलता है कि अब आपको शो दैट करना है कि 10a + b, शो क्या करना है आपको, 10a + b जो है इज इक्वल टू 10a + 10b, न्यूमरेटर में आपका 10a + 10b अपॉन में 1 − 10a, 1 − 10a, 10b है, क्लियर है। और आपको प्रूफ करना है कि शो दैट करना है कि जो एंगल ए प्लस बी है वो क्या है आपका 45 डिग्री है, आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस बी जो है आपका 45 डिग्री है, ये आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं, यहाँ पर 10a की वैल्यू ऑलरेडी, पूरे 10a की वैल्यू क्या है, 1/3 है, तो मैंने 10a के बदले 1/3 रख दिया और 10b के बदले 1/2 रख दिया, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद 1 − 1/3 × 1/2 बिल्कुल सिंपल किया है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड 3 + 2 / 6। नीचे आपका आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कई बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं वापस ठीक कर देती हूँ। इसके बाद आप लिख सकते हैं 1 − 1/6, तो यहाँ पर सॉल्व करने पर हो जाता है दैट इज कॉल्ड 5/6 और इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो मैंने 6/5 आ जाता है, तो यहाँ आपका आंसर आता है 1 अगर आप इसको पूरा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि राइट साइड पे मेरा चल रहा है 10a + b, तो 10a + b मेरा किसके बराबर आ चुका है, 10a + b = 1 के बराबर आ चुका है। अब 10 की जो रेशियो है मैं उसमें देखूंगी कि उसमें 1 ऐसा कब, ऐसी रेशियो है कब, ऐसी टेबल है जिसमें 1 आता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी मुझे पता है कि 10a + b जो है 10 के टेबल में 45 पे जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 10 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, 10 से 10 क्या हुआ, कैंसिल हो गया,
तो यहां पर आपके पास ए प्लस बी जो हुआ वो 45 डिग्री प्रूव हो गया। और हमको क्या प्रूव करना था, हमको यही प्रूव करना था कि ए प्लस बी जो है वो 45 डिग्री के बराबर है। वेरी सिंपल, सिर्फ आपको ध्यान देना है और प्रैक्टिस करनी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और 11th और 12th में आप आगे इंटीग्रिटी डिफरेंशिएशन जो पढ़ने वाले हैं वो पूरा ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड करता है, इसलिए इस पार्ट का आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इन 11th और 12th आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। तो होपफुली आप मेरे साथ बने रहेंगे और पूरा चैप्टर अपना पढ़ते रहेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।